दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं कि बाउंड्री की लंबी धार प्लास्टर में किस तरह बनाई जाती है, क्या होता है सही तरीका। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, कहीं से स्किप ना करें ताकि आप अच्छी तरीके से समझ जाएं। और अगर दोस्तों अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको घर बनाने की पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारी होम टिप पे बाउंड्री वॉल लगी हुई है और ये तकरीबन 20 फीट की इसकी लंबाई है। आज हम इसकी टॉप की धार बनाने जा रहे हैं। तो किस तरह से बनाई जाती है टॉप की धार, सही और सबसे आसान तरीका क्या होता है, आप वीडियो में बने रहें और ध्यान से देख करके इसको समझें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अच्छी तरीके से इस पर पानी मार लेंगे, तर कर लेंगे। फिर उसके बाद देखिए इस तरह से फिर घोले को लगा लेना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों कि दीवार सूखी नहीं होनी चाहिए। देखिए फिर इस तरह से घोला लगा करके, और फिर अगर लंबाई है आपकी बाउंड्री वॉल की तो आप इसमें डोर का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि डोर का इस्तेमाल करने से ये होगा कि आप बहुत ही आसानी से इस पर मसाला फैला करके और फंटी को लगा सकते हैं। आपकी धार जो है टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनेगी, बिल्कुल सीधी आपकी धार आएगी। देखिए इस तरह से डोर रखना है दोनों सिरे पे, और फिर उसके बाद में देखिए जगह जगह बुंदे लगा लेना है। अपनी फंटी के साइज के हिसाब से इस पे बुंदे लगा लेना है। देखिए इस तरह से बुंदे लगाते समय एक चीज का खास ध्यान रखना है कि डोर जो आपने लगाई है इसमें, जब आप बुंदे के लिए मसाला डालते हैं तो डोर से बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए। डोर को फ्री रखना है, डोर से हटा करके थोड़ा, और फिर गुंदों को लगा लेना है। और डोर का भी ध्यान रखना है कि डोर आपकी ढीली नहीं होना चाहिए, डोर को खूब खींच करके जो है रखना है ताकि लूज ना रहे। लूज अगर रहेगी तो आपके गुंदे नीचे लग जाएंगे और फिर आपकी धार सीधी नहीं बन पाएगी। और दोस्तों वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बुंदे लगाने के बाद फिर दोस्तों देखिए इस तरह से आपको मसाला इस पर बिछा लेना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, मसाला बिछाते समय जो बुंदे आपने लगाए हैं उस बुंदों से थोड़ा आपको मसाला ऊंचा ही रखकर चलना है ताकि फंटी आप जब लगाएं तो एकसार हो सके। बहुत अच्छी तरीके से इस तरह से मसाले को बिछा लेना है। मसाला अगर सही बिछ जाएगा तो आपको फंटी लगाने में भी मुश्किल नहीं आएगी। अच्छी तरीके से फंटी आप इस पे लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से बिल्कुल एकसार करके मसाले को बिछाना है। दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने कभी धार नहीं भी बनाई है और इस तरीके से आप बनाएंगे तो भी आप धार को बना सकते हैं, आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। देखिए गुंदों से थोड़ा सा ऊंचा करके चलना है और एकसार करके अच्छे तरीके से मसाले को बिछा लेना है। और एक चीज़ का और ध्यान रखें दोस्तों, दीवार को खुश्क ना होने दें। जो आपका धार का टॉप है, जब आप बनाएं तो दीवार को खुश्क ना होने दें, दीवार में नमी होना चाहिए। क्योंकि लंबी आपकी वॉल होगी तो उसमें आप मसाला बिछाएंगे और ज़्यादा समय आपको उसमें लग जाता है तो सूख जाएगा वो मसाला, फिर फिनिशिंग बढ़िया नहीं आ पाएगी। तो इसलिए दीवार को नम जरूर रखना। इससे होता क्या है कि आप बहुत ही जल्दी मसाले को काट सकते हैं और उसके बाद जब आप फिनिशिंग देंगे तो देखने में भी अच्छी लगेगी धार आपकी। देखिए दोस्तों मसाला बिछ गया है। अब इसके बाद देखिए इस तरह से फंटी से मसाले को काट लेना है।
जो गुंदे हमने लगाए थे उस गुंदों के हिसाब से फिर मसाले को उतार लेना है। देखिए जहाँ मसाला अगर कम रह जाता है तो वहाँ थोड़ा आप मसाला लगा सकते हैं फंटी लगाते समय, वो तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा, फंटी बता देती है कि कहाँ मसाला कम है और कहाँ ज़्यादा है। तो इस तरह से जो है आपको फंटी को चलाना है और इस तरीके से आपकी धार बिल्कुल सीधी होगी जब आप इसको बना लेंगे। बनाने के बाद अगर आप इसको साइड से भी देखेंगे तब भी ये आपको सीधी दिखाई देगी। देखिए दोस्तों इस तरह से फंटी को मार लेना है। और दोस्तों फंटी लगाते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फंटी हमेशा हल्के हाथ से लगाई जाती है, ज़्यादा हाथ को जमा करके नहीं चलाना होता है, बहुत हल्के हाथ से फंटी को लगाया जाता है। तो इस तरह से आप अच्छी तरीके से फंटी को लगा पाएंगे, आपको कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। फंटी मारने के बाद फिर दोस्तों दोनों साइड से फंटी लगा करके और फिर इस धार को कंप्लीट कर लेना है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कंप्लीट होने के बाद हमारी धार किस तरह दिखाई देती है। ये देखिए दोस्तों ये हमने धार कंप्लीट कर ली है चारों साइड की, इस तरह आपकी धार दिखाई देगी। फिनिशिंग के साथ आप धार को इस तरह से बना सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।